बाकी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तरह रिलायंस जियो भी अपने प्रीपेड प्लान्स को महंगा कर चुकी है। वहीं बीएसएनएल अकेली कंपनी है जिसने अपने प्लान्स की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया है। जियो और बीएसएनएल के पास कई प्रीपेड प्लान्स लगभग एक जैसी कीमत वाले हैं। आज हम बीएसएनएल के 247 रुपए वाले प्लान की तुलना रिलायंस जियो के 249 रुपए वाले प्लान से करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं किसमें है आपका फायदा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। बीएसएनएल का 247 रुपए का प्लान। बीएसएनएल का यह प्लान 36 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कंपनी इसमें 50 GB डेटा दे रही है जो कि बिना किसी डेली लिमिट के आता है। हालांकि 50 GB लिमिट खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 80 KBPS रह जाती है। प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको इरोज नाउ एंटरटेनमेंट सर्विस का भी फायदा मिलता है। तो ये तो बात हुई बीएसएनएल की, अब बात करते हैं रिलायंस जियो के 249 रुपए वाले प्लान की। रिलायंस जियो के इस प्लान में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस प्लान में अब 23 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है। खास बात यह है कि यूजर्स को हर दिन 2 GB डेटा दिया जाता है। इस तरह कुल 46 GB डेटा हो जाता है। इसमें भी सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS दिए जाते हैं। प्लान में जियो एप्स का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिलता है। अब किस प्लान में हुआ फायदा इसको भी देख लेते हैं। देखा जाए तो बीएसएनएल प्लान वैलिडिटी और डेटा दोनों ही चीजें ज्यादा ऑफर करता है। बीएसएनएल के प्लान में 36 दिनों के लिए 50 GB डेटा मिल रहा है। वहीं जियो अपने ग्राहकों को 23 दिनों में 46 GB डेटा दे रही है। अतिरिक्त बेनिफिट्स में जियो प्लान आगे निकल जाता है जिसमें जियो टीवी, जियो सिक्योरिटी, जियो क्लाउड और जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन मिलता है। ऐसे में अगर आपको 4G डेटा की जरूरत है तो आप जियो प्लान पर जा सकते हैं। हालांकि आपका अगर 3G डेटा सही काम चल जाता है तो बीएसएनएल से बेहतर कोई नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा ये कंपैरिजन वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बीएसएनएल बढ़िया है या जियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।